I'll go is not enough. Hello everyone, today we will learn about food. On this beautiful earth many living beings live together. इस खूबसूरत धरती पर कई सारे जीव जंतु एक साथ रहते हैं, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस. दीज थ्री आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ये तीनों एक दूसरे से अलग है. बट इन ऑर्डर टू सर्वाइव ऑल लिविंग बींग्स हैव थ्री बेसिक नीड्स. परंतु जीवित रहने के लिए सभी प्राणियों की तीन ज़रूरतें होती हैं, एयर, वाटर एंड फूड. हवा, पानी और भोजन. व्हाट इज़ फूड? भोजन क्या है? एनीथिंग विच वी ईट टू सैटिस्फाई आवर हंगर इज़ फूड. हम जो कुछ भी अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए खाते हैं उसे फूड कहते हैं. वाई वी नीड फूड? हमें भोजन की ज़रूरत क्यों होती है? वी नीड फूड टू ग्रो एंड टू बी हेल्दी. हमें भोजन की ज़रूरत बढ़ने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए होती है. As a babies, we only drink milk. बचपन में हम सिर्फ दूध पीते हैं. But as we grown up, we need a proper balanced diet. What is balanced diet? संतुलित आहार क्या होता है? A balanced diet consists of all the nutrients needed by our body. जिस डाइट से हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, मतलब पोषक तत्व, उसे बैलेंस्ड डाइट कहते हैं. देयर आर 6 मेन न्यूट्रिएंट्स. मेनली 6 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स and water. Fats and carbohydrates give energy to our body. Fats and carbohydrates हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, लाइक पटेटोज, बीन्स, कॉर्न, बटर, डार्क चॉकलेट्स, नट्स. प्रोटीन्स हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो. प्रोटीन हेल्प करता है हमारी बॉडी को ग्रो करने में, लाइक सोयाबीन्स, ओट्स, मिल्क, एग्स. विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम इलनेस. विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी फूड्स. डेयरी फूड्स उन्हें कहा जाता है जो दूध से बने हुए होते हैं, जैसे बटर, चीज़, कर्ड. वाटर मतलब पानी. वाटर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. Water helps in transport nutrients throughout the body. हमारी बॉडी में nutrients को properly distribute करने में water बहुत ज़्यादा help करता है. Water also help in proper digestion. Food को पचाने में पानी बहुत ज़्यादा help करता है. Types of food. Energy giving foods. Food items that give us energy are called energy-giving foods. जिन फूड से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है उन्हें एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं. लाइक ब्रेड, राइस, बॉडी बिल्डिंग फूड्स. Foods that give us proteins are called बॉडी बिल्डिंग फूड्स. जिन फूड से हमारी बॉडी को प्रोटीन मिलता है उन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं. लाइक सोयाबीन, मिल्क, एग्स. प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स that gives us vitamins and proteins are called protective foods. जिन फूड से हमारी बॉडी को विटामिन्स और प्रोटीन्स मिलते हैं उन्हें प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं. लाइक स्पिनच, कैरेट, पपाया, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स. Our country India is the country of diversity, so are here food. हमारा देश भारत विविधताओं का देश है और वैसा ही यहाँ का भोजन है. फेमस फूड्स ऑफ सम इंडियन स्टेट्स. गुजरात ढोकला, तमिलनाडु पोंगल, पंजाब मक्के दी रोटी एंड सरसों दा साग, बिहार लिट्टी चोखा, राजस्थान दाल बाटी चूरमा. फूड which help us in survive, who grow this. जो खाना हमें जीवित रखता है इस खाने को उगाता कौन है? फार्मर, किसान. Farmers are the one who provide us food to eat. वो farmers ही होते हैं जिनकी वजह से हम भोजन खा पाते हैं. Do you know how long it take rice to grow? क्या आप ये जानते हैं कि जो राइस हम खाते हैं वो राइस ग्रो होने में कितना टाइम लेता है? 120 days. And vegetables somehow take 70 days to grow. Vegetables को लगभग 70 days लगते हैं ग्रो करने में. We should not waste food because it takes only some minutes to waste, but it takes days or months to grow and hours to make. हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे बर्बाद करने में केवल कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन इसे ग्रो करने में बहुत सारे डेज और मंथ्स लग जाते हैं और इसी खाने को बनाने में कई सारे आवर्स लग जाते हैं. And not everyone gets food. सबको खाना नहीं मिलता है. So respect the person who grow food for us and the person who make food for us, farmer and mother. इज्जत करिए उनकी जो आपके लिए भोजन उगाते हैं और जो आपके लिए भोजन बनाते हैं, किसान और माँ. I hope you enjoyed this video. We will meet very soon in next video. Till then.